राज विहार कॉलोनी के बाशिंदे जलभराव से परेशान, नगर निगम के मेयर से लगाई गुहार। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों महिला जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु को ज्ञापन के माध्यम से जलभराव के निस्तारण हेतु एक ज्ञापन दिया। मेयर ने जल्द समस्या से निस्तारण के दिए आदेश। आपको बता देंगे, शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों महिला करीब 3 साल से जलभराव की समस्या से जूझ रही है। जब कॉलोनी वासियों ने वार्ड 16 के पार्षद से कई बार अपनी समस्या बताई तो पार्षद ने राजबार कॉलोनी के खराब रास्ते, जलभराव से जूझ रहे कॉलोनी वासियों की एक न सुनी तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों महिला नगर निगम के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी जलभराव की समस्या से मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु को अवगत कराया। साथ ही साथ मौके ग्रुप से यह भी कहा कि पार्षद बसपा का है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में काम नहीं करता है। मेयर ने कहा, ऐसा गलत है, पार्षद पूरे वार्ड का है, उसे सभी की समस्या को देखना चाहिए। साथ ही मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने एक ज्ञापन पर शीघ्र कार्रवाई करने की बात की। उन्होंने मौके पर जूनियर इंजीनियर से बात कर स्टीमेट बनाने के आदेश दिए। सभी वार्ड की महिलाएं आश्वासन के बाद संतुष्ट होकर कॉलोनी वापस लौट गई। वही भाजपा की मंडल अध्यक्ष रेखा कुंतल व महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया, अपने राजविहार कॉलोनी से मेयर साहब के पास आए, उधर इतनी समस्या है कॉलोनी में, पूरी में पानी भरता रहता है, वैसा भी पानी नहीं निकलता है, और अब बारिश की वजह से कॉलोनी में निकलने में सबको समस्या हो रही है, निकल नहीं पा रहे, बुजुर्ग सब लोग, बहुत दिक्कत है, पानी भरा हुआ है, उसी के लिए आए हो, प्रॉब्लम फैल रही है। उस पार्षद से शिकायत करिए, पार्षद ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई मतलब एक्शन नहीं लिया इसका, कोई बात को सुनवाई नहीं है। सब महिलाएं हम लोग राजविहार कॉलोनी से आए हैं, राजविहार कॉलोनी में इतनी समस्या है पानी की कि पानी, बारिश का पानी तो क्या, घर का पानी निकलने के लिए भी जगह नहीं है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, हम लोग निकल नहीं पाते हैं रोड से, आपस में कॉलोनियों में विवाद होता है, पानी के चक्कर में विवाद होता है। इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और हम लोग मेयर साहब के पास आए हैं ताकि वो हमारी कुछ समस्या का समाधान करें। वहाँ पे बारिश का पानी, नालियों का पानी, वहाँ नाली प्रॉपर बनी नहीं हुई, सबने अपने अपने हिसाब से नालियाँ बना रखी हैं, जिससे प्लॉटों में पानी जा रहा है, आगे प्लॉट वाले रोक देते हैं तो वह सड़कों पर पानी आता है, ना कोई वाहन निकल पाता, वहाँ डेली तो बच्चे गिरते हैं और लेडीज भी डेली फिसलती रहती है, कोई दूध लेने जा रहे हैं या सब्जी लेने जा रहे हैं, डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ रहने वाले लोग मेरे पास में आए थे, इनकी समस्या ये है कि इनका कोई रोड है, यहाँ पर पानी भर जाता है बारिश का और कच्चा रोड है। वैसे हमने अपने सारे पार्षद गांव से ये कह रखा है कि आप ये ना देखें कि ये कहाँ के लोग हैं, किसको वोट दिया, ये बात अच्छी नहीं है। जो व्यक्ति जीत जाता है वो पार्षद हो गया तो पूरा वार्ड उसका है, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये जो जनता मेरे पास में अभी आई थी, इनका कहना ये था कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और बसपा का हमारा पार्षद है, इसलिए वो हमारे यहाँ का कार्य नहीं करना चाहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की किसी की मानसिकता है तो वो नितांत गलत है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जनता पूरी हमारी है, आपको जनता के कार्य करने हैं और मैं जल्दी ही इन लोगों की समस्या का समाधान कराऊंगा। मैंने आज ही लिख कर दे दिया है, उसका एस्टिमेट बनवाऊंगा और इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराऊंगा।